बताऊं कि आप लोग अपने डिवाइस के अंदर इनहेंस वाला ये लोगो कैसे इनेबल करोगे अपने Redmi Note 9 Pro के अंदर, और आप सभी को जो अपडेट का बिल्ड नंबर हो MIUI 12। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों फाइनली यहां पर Redmi Note 10 Pro यूजर्स के लिए MIUI 12.5 इनहेंस अपडेट रिलीज हो चुका है। जैसा मैंने आप सभी को बताया था यहां पर कल शाम को 4:30 बजे के आसपास मैंने यहां पर वीडियो रिलीज किया था Redmi Note 9 Pro का, जिसमें बताया था कि यहां पर 5 दिसंबर से पहले ही अपडेट यहां पर रिलीज होने वाला है, जो कि आप सभी को काफी अच्छी लगी वो वीडियो और आप लोगों ने यहां पर सपोर्ट किया उस वीडियो के ऊपर। अब मैं आपको बता दूं यहां पर फाइनली कल रात को यहां पर लगभग 7:14 के आसपास मैंने जो नोटिफिकेशन एक जारी कर दिया था टेलीग्राम के ऊपर, जहां पर आपको मैंने बताया था कि यहां पर अपडेट रिलीज हो चुका है Redmi Note 10 Pro के लिए MIUI 12.5.2.0 के नाम से। फिर उसके बाद लगभग 9 बजे के बाद जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह और लिंक्स वगैरह सब कुछ आने यहां पर स्टार्ट हो चुके थे और मैंने आपको सब कुछ टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दिया। तो फाइनली अच्छी बात यह है कि Redmi Note 10 Pro यूजर्स के लिए MIUI 12.5 इनहेंस अपडेट रिलीज हो चुका है। अब मैं वीडियो में आपको यहां पर डिटेल में बताऊंगा कि आप लोग यहां पर मैनुअली कैसे डाउनलोड करोगे अपने डिवाइस के अंदर अगर आप लोग को यहां पर अपडेट मिला है तो, और किन किन लोगों को ये अपडेट देखने को मिला है, साथ में इस अपडेट के अंदर क्या कुछ खास देखने को मिलता है, सब कुछ डिटेल में बताया जाएगा। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा क्योंकि ऐसी वीडियोस के लिए काफी मेहनत लगती है। साथ में टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि फ्यूचर में और भी अपडेट से रिलेटेड आपको वीडियो चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपसे बता दूं यहाँ पर जो आप सभी का जो Redmi Note 9 Pro है उसके अंदर जो आपको अपडेट देखने को मिलता है MIUI 12.5.2.0 के नाम से, और साथ में यहाँ पर इनहेंस किसी किसी डिवाइस में देखने को मिल रहा है और किसी किसी डिवाइस में नहीं लिखा हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये भी बताऊँ कि आप लोग अपने डिवाइस के अंदर इनहेंस वाला ये लोगो कैसे इनेबल करोगे अपने Redmi Note 9 Pro के अंदर, और आप सभी को जो अपडेट का बिल्ड नंबर हो MIUI 12.5.2.0 के नाम से देखने को मिल जाता है। तो चलिए ये चीज़ हटाते हैं, एक बार मैं आप सभी को थोड़ी बहुत और न्यूज़ के बारे में बता दूँ। तो यहाँ पर कल रात को हमने 7:14 के ऊपर आपसे को इन्फॉर्म कर दिया था कि Redmi Note 9 Pro के लिए यहां पर MIUI 12.5.2.0 का जो अपडेट है ना वो रोल आउट स्टार्ट हो चुका है इंडिया के अंदर। और फिर उसके बाद हमने दोबारा यहां पर आपसे को दिया था 7:55 पे। फिर उसके बाद हम लोगों ने आपको आज सुबह रही यहां पर OTA लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दिया, जिसमें आप लोग देख सकते हैं यहां पर मी पायलट यूजर्स के लिए सिर्फ ये OTA लिंक आप सभी को देखने को मिलता है, जिसमें आप सभी को यहाँ पर OTA लिंक वगैरह भी देखने को मिल गया, साथ में रिकवरी रोम भी। तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपको OTA लिंक तो कम से कम प्रोवाइड करा दिया है हमने, जिसके जरिए आप लोग यहाँ पर मैनुअली डाउनलोड कर सकते हो, और रिकवरी रोम तो वही लोग यूज़ करते हैं जिनके डिवाइस में यहाँ पर बूट लोडर अनलॉक होता है। तो यहाँ पर अभी आप लोग देखेंगे हमने कुछ यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी शेयर करे हैं, जिसके अंदर MIUI 12.5.2.0 का नाम से देखने को मिलता है और 711 MB का ये अपडेट आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसमें यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूव्ड सिस्टम सिक्योरिटी लिखा गया है, पर इसके ऊपर हम लोगों ने ध्यान नहीं देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबसे बड़ा फीचर मेमोरी एक्सटेंशन का देखने को मिलता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। जैसे आप लोग अपने डिवाइस का सेटिंग खोलेंगे, यहाँ पर स्वाइप अप करना है, स्वाइप अप करने के बाद एडिशनल सेटिंग के अंदर जाना है, एडिशनल सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पर आपको फाइनली मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर दे दिया गया है। आपके पास अगर 4GB रैम वाला वेरिएंट है ना, तो आपको 4GB और 64GB वाला जो वेरिएंट है ना Redmi Note 9 Pro का, तो उसके अंदर आप लोग 1GB रैम यहाँ पर एक्सटेंड कर पाओगे, जो काफी एक अच्छी बात है। तो फाइनली मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर देखने को मिल चुका है, और जिन लोगों के पास यहाँ पर Redmi Note 9 Pro का 6GB 128GB वाला वेरिएंट, तो वो लोग यहाँ पर 2GB रैम एक्सटेंड कर पाएंगे। तो फाइनली आप लोग को यहाँ पर जो MIUI 12.5 का इनहेंस का जो अपडेट है वो देखने को मिल चुका है आपके Redmi Note 9 Pro के अंदर, जो काफी एक अच्छी बात है यहाँ पर। और भी यहाँ पर बात कर ले कि आप लोग इसको कैसे मैनुअली डाउनलोड करोगे, उससे पहले यहाँ पर कुछ और इस अपडेट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अपडेट है काफी अच्छे यहाँ पर रिलीज हुआ है, और ये अपडेट यहाँ पर बहुत जल्दी पब्लिक यूजर्स के लिए भी रोल आउट होगा। अब कब तक यहाँ पर पब्लिक यूजर्स को ये अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ये अपडेट है सिर्फ मी पायलट के लिए रिलीज हुआ है, और जो ये लिंक है ये शायद मी पायलट जो टेस्टर है उनके अंदर ये काम करेगा। शायद अगर पब्लिक लोग ट्राई करना चाहते हैं तो अपने डिवाइस का इसका ट्राई कर सकते हैं, इसके ऊपर लिंक पर क्लिक करिए और आप लोग इसको डाउनलोड कर लेंगे, और जो अपडेट का जो फाइल है ना 711 MB देखने को मिलेगा। अगर आप लोग OTA लिंक के द्वारा इसको डाउनलोड करोगे तो 711 MB देखने को मिलेगा, और रिकवरी रोम के जरिए करोगे तो आप लोग 2.3 GB के आसपास यहाँ पर देखने को मिलेगा। पर मैं आपको सजेस्ट करता हूँ आप लोग रिकवरी रोम से ना डाउनलोड करके OTA जो अप्लाई है ना इससे आप लोग डाउनलोड करें, जिसके जरिए आप लोग 711 MB का अपडेट कर पाएंगे और अच्छा खासा यहाँ पर अपडेट कर पाएंगे अपने डिवाइस के अंदर। तो ये हमारे सब्सक्राइबर लोग ने हमारे पास स्क्रीनशॉट शेयर किया है, जो कि काफ़ी एक अच्छी बात है कि हमारे सब्सक्राइबर लोग हमारे पास यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर कर देते हैं। जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पर उनके डिवाइस में इनको अपडेट मिल चुका है, जो अनिल भाई है उनको यहाँ पर अपडेट देखने को मिल चुका है, इन्होंने मेरे पास स्क्रीनशॉट यहाँ पर शेयर कर दिया, काफ़ी एक अच्छी बात है। इन्होंने मेरे से पूछा भी कि इनहेंस वर्जन इनके डिवाइस में नहीं देखने को मिल रहा है, तो वो भी बताऊंगा कैसे आप लोग इनहेंस वर्जन को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। तो देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर काफ़ी सारे लिंक्स देखने को मिलते हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक्स वगैरह और ट्विटर का लिंक है, तो आप लोग उसको भी जरूर ज्वाइन और फॉलो करा करें। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ आपको, एक Xiaomi MIUI ऐप ऑपरेटर के नाम से लिंक देखने को मिलेगा टेलीग्राम का, जो कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपको ये जो अपडेटर वाला जो
ऐप है ना 7, इसका वर्जन देख लीजिए 7.6.5 का ये एपी का देखने को मिलता है। इस एपी को जैसे ही आप लोग यहाँ पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे, एक चीज़ और बता दूँ, आप लोग यहाँ से भी डाउनलोड करोगे ना मैनुअली भी, तो भी आपके यहाँ पर डिवाइस में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा, आपको फ्यूचर में अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो आप लोग यहाँ पर जो अपडेटर ऐप है ना, इसको आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप लोग यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो अपने डिवाइस के अंदर। इंस्टॉल जैसे ही कर लोगे तो आपके डिवाइस के अंदर यहाँ पर MIUI 12.5 जो इनहेंस का जो लोगो है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, जो MIUI 12.5 इनहेंस का जो लोगो है ना वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर MIUI 12.5 इनहेंस लिखा हुआ है, MIUI 12.5.2.0 भी लिखा हुआ है। व्हाट्स न्यू के अंदर आप लोग खुद देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। तो ये एक अच्छी बात है कि आप लोग यहाँ पर अपने डिवाइस के अंदर MIUI 12.5 इनहेंस लोगो इनेबल कर सकते हो। अभी कुछ कुछ डिवाइसेज में इनहेंस इसलिए यहाँ पर नहीं लिख रहा है क्योंकि जो उनका अपडेटर ऐप है ना वो यहाँ पर अपडेट नहीं है। जब अपडेटर ऐप का अपडेट ऑफिशियली यहाँ पर देखने को मिलेगा ना सिस्टम सिक्योरिटी में, यहाँ पर जैसे कि आपको बता देता हूँ, जब यहाँ पर सिस्टम ऐप अपडेटर के अंदर यहाँ पर जब अपडेट आएगा ना, तब आप लोग यहाँ से जब अपडेट करोगे तो आपको दिखाएगा। जिसको उतना वेट नहीं करना और उनके डिवाइस में फिर भी यहाँ पर जल्दी इनेबल करना चाहते हैं इनहेंस्ड का यहाँ पर लोगो, तो मैंने आपको ऑफिशियली यहाँ पर अपडेटर ऐप का जो लिंक है वो दे रखा अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो आप लोग जल्दी जाओ डाउनलोड कर लो और इसको इंस्टॉल कर लो, 7 MB के आसपास का ये वो APK है। तो इंस्टॉल कर लोगे तो आपके डिवाइस में यहाँ पर इनहेंस लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। अब फाइनली हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर कि आप अपने डिवाइस के अंदर यहाँ पर OTA अप्लाई कैसे करोगे। दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आपको जो ये MIUI वर्जन है ना इसके ऊपर आप लोगों ने बस 7 बार यहाँ पर टैप करते जाना है। 7 बार जैसे टैप कर दोगे ना तो आपको यहाँ पर एडिशनल अपडेट फीचर वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पर लिख के आ जाएगा। फिर आपको 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है। 3 डॉट के ऊपर इतना क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसमें आप सभी को एक काम करना है, यहाँ पर चूज अपडेट पैकेज का जो फीचर देखने को मिल रहा है यानी कि जो ऑप्शन दिख रहा है इसके ऊपर आप लोग क्लिक करिए। क्लिक करते हैं यहाँ पर ये फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पर सिंपली आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर जहाँ पर आप लोगों ने डाउनलोड करा है ना लिंक से, यानी कौन से लिंक से, जो कि ये वाला लिंक आप सभी को देखने को मिलता है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ पर ताकि कन्फ्यूजन ना हो यहाँ पर लोगों को। जैसे ही आप लोग इस लिंक के ऊपर क्लिक करके इस लिंक को डाउनलोड कर लोगे, 711 MB का ये लिंक है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लोगे अपडेट को। फिर इसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली अपडेटर ऐप के अंदर आना है और जो जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको 7 बार यहाँ पर टैप करना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पर चूज अपडेट पैकेज के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपकी फाइल डाउनलोड हुई है ना वहाँ से उसके ऊपर बस सिंपली क्लिक कर लेना। अगर आप डाउनलोड वाले फोल्डर पर जाओगे, अगर यहाँ पर जहाँ पर भी आपकी फाइल डाउनलोड हुई है वो आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो डिवाइस है उसने कहाँ पर डाउनलोड करके रखा हुआ है। जैसे ही आप लोग वो जिप फाइल को यहाँ पर डाउनलोड कर लोगे तो सिंपली बस उस, जैसे मान लीजिए इस फोल्डर में है, मैं इस फोल्डर के ऊपर यहाँ पर क्लिक करूँगा, मान लीजिए यहाँ पर जो लिंक आया वो उसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा नीचे लिख के रिबूट करने का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रिबूट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप लोग रिबूट करोगे तो आपके डिवाइस में यहाँ पर मैनुअली जो अपडेट है वो इंस्टॉल हो जाएगा और आप लोग यहाँ पर MIUI 12.5.2.0 अपडेट के ऊपर आ जाओगे और इनहेंस लिखा हुआ आपको दिखा देगा। इनहेंस कब लिखा हुआ दिखाने को मिलेगा? जब आपको अपडेटर ऐप को अपडेट कर लोगे। तो ये कुछ यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि मैनुअली आप लोग कैसे डाउनलोड करोगे। कुछ लोगों का यहाँ पर पूछना था कि मैनुअली कैसे डाउनलोड करें, तो इससे बढ़िया मैं आप सभी को यहाँ पर बता चुका हूँ और इससे बढ़िया आप सभी को शायद ही बता पाएंगे प्रैक्टिकली कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, बस यहाँ पर मैंने इंस्टॉल ही नहीं करा है क्योंकि यहाँ पर इस डिवाइस के अंदर ऑलरेडी MIUI 12.5 अपडेट यहाँ पर चल रहा है इनहेंस्ड वाला। फिर इसके बाद हम लोग कुछ और परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर परफॉर्मेंस आपको नॉर्मल ही देखने को मिलने वाली है और कुछ यहाँ पर बड़े फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे। जो पुराने फीचर्स हैं MIUI 12.5 वाले वही फीचर्स आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। इसमें तो कोई मेमोरी एक्सटेंशन का एक फीचर के अलावा और कोई मेरे को फीचर्स यहाँ पर समझ में नहीं आता कि इसके अंदर कौन सा और फीचर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का भी साफ साफ कहना था जो MIUI 12.5 इनहेंस अपडेट है ना वो सिर्फ यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड है एंड रिपेयर है। ये सिर्फ लोगों में ये भी लिखा हुआ था कि MIUI 12.5 इनहेंस सिर्फ यहाँ पर रिपेयरिंग के लिए है और साथ में यहाँ पर ऑप्टिमाइज्ड किया गया ताकि जो MIUI 12.5 में जो बग्स थे, एंड्रॉइड 11 में जो बग्स थे उसको यहाँ पर फिक्स कर दिया गया है। बस यही कुछ यहाँ पर चीज़ें चेंज करी गई है और साथ में एक फीचर को इसके अंदर ऐड कर दिया गया जो था यहाँ पर मेमोरी एक्सटेंशन का, जो कि आप लोग यहाँ पर एडिशनल सेटिंग के अंदर देख सकते हैं। तो ये कुछ यहाँ पर चेंजेस करेगा इस अपडेट के अंदर और तो यहाँ पर कोई बड़े चेंजेस यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। बाकी आपकी जो परफॉर्मेंस आपके स्मार्टफोन की काफ़ी अच्छी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पर इसको ट्राई कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, मैनुअली डाउनलोड करें चाहे यहाँ पर OTA का बात करें। अब मैं आपको बता दूँ यहाँ पर पब्लिक रोल आउट कब यहाँ पर देखने को मिल सकता है MIUI 12.5 इनहेंस का। तो जितने भी लोग हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं मैं उनको बता दूँ यहाँ पर जो MIUI 12.5 इनहेंस का जो अपडेट है Redmi Note 9 Pro यूजर्स के लिए बहुत जल्दी यहाँ पर रिलीज हो जाएगा पब्लिक यूजर्स के लिए। मी पायलट को तो यहाँ पर अपडेट मिल चुका है और यहाँ पर जो पब्लिक यूजर है उनको भी लगभग विद इन 1 वीक के अंदर या विद इन 10 डेज के अंदर यहाँ पर अपडेट अगेन रोल आउट होगा। और जो लोगों को अपडेट नहीं मिला उनसे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे ही अपडेट रिलीज होगा ना आप सभी को यहाँ पर वीडियो भी मिल जाएगी, साथ में स्क्रीनशॉट भी देखने को मिल जाएगी।
कि पब्लिक यूजर्स के लिए यहाँ पर अपडेट रोल आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो आपसे बस इतना ही मैंने कहा है कि बस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही अपडेट यहाँ पर पब्लिक रोल आउट होगा आपको बता दिया जाएगा। तो अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आपके डिवाइस के अंदर MIUI 12.5 इनहेंस अपडेट रेडमी नोट 9 प्रो यूजर्स को मिला है कि नहीं मिला है, और किन किन लोगों को मिला है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, और आपका यूजर एक्सपीरियंस कैसा रह रहा है अपडेट करने के बाद वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। तो बस दोस्तों इतना ही था आज के इस वीडियो के अंदर, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।